मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों एक साथ इस वक्त मुलाकात उनकी चल रही है और ये मुलाकात है केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर, जहां आज दोपहर के खाने पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच में मंथन होना है। आज शाम बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक भी है और उससे पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर, जहां लंच पर आज दोनों की चर्चा होगी, क्योंकि आज केशव प्रसाद मौर्य के घर से मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, ये मुलाकात शुरू हो चुकी है, कितनी देर तक चलेगी, जो अपडेट है बताइए। देखिए पयोधी, आधा घंटा करीब हो चुका है, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं और लंच पर उन दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। संघ और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले जी न्यूज से बातचीत में ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में चेहरा तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, प्रदेश में कोई इस पर कुछ बोल नहीं सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था, तो जो उत्तर प्रदेश में आपसी विवाद भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा था चेहरे को लेकर, 22 की चुनावी रणनीति को लेकर, उन्हीं सबको दूर करने के लिए एक बार फिर से जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो कल से लखनऊ दौरे पर हैं। कल लगभग 4 घंटे बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर चली थी, जिसमें बीएल संतोष मौजूद थे, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। यह बैठक मुख्यमंत्री के घर पर हुई थी और आज एक बैठक और होनी है शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर, जहां योगी आदित्यनाथ जाएंगे और यूपी सरकार के सभी मंत्रियों को उस बैठक में बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले जब आज लंच पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर, यह ऐसा पहला मौका है 4.5 साल की सरकार में जब योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में की राजनीति में यह बिल्कुल माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है और इसीलिए इस मुलाकात के मायने बढ़ जाते हैं कि क्या संघ और संगठन अब पैचअप कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, लगभग 4 घंटे बैठक योगी आदित्यनाथ के घर पर चली थी और आज योगी आदित्यनाथ लंच पर पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य के घर। हालांकि ये विशुद्ध सियासी मुलाकात ही है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जो बाहर अभी थोड़ी देर बाद खबर आएगी उसमें यह बताया जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी 22 मई को हुई थी, तो वर वधु को आशीर्वाद देने योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे थे, लेकिन 22 मई से आज 22 जून है, लगभग 1 महीने का वक्त निकल चुका है और इस मुलाकात के सियासी मायने यही है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक कैसे कराया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने बाद होने वाले हैं उसमें आपसी कलह, आपसी विवाद, विशाल एक और स्टेटमेंट हमें भूलना नहीं चाहिए, एक और स्टेटमेंट हमें भूलना नहीं चाहिए। एके शर्मा ये कह रहे थे कि ना पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे, तो ये इस तरफ एक कदम है जो बात आप कर रहे हैं, जो इस आज इस मुलाकात का भी मकसद है। रवि त्रिपाठी भी जुड़ गए मेरे साथ, रवि मैं आऊंगी आपके पास, विशाल अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य यही दो धड़ा उत्तर प्रदेश में बीजेपी में अब तक रहा है, तो बीजेपी दोनों को एक साथ बैठाकर यह संदेश दे रही है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की जा रही है, कि योगी आदित्यनाथ खुद केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। और यह भी हम आपको बता दें कि 4.5 साल की सरकार हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से पहला ऐसा मौका है जब वो केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं और इन सब सियासी अटकलों के बीच में पहुंचे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया था कि चेहरा आलाकमान तय करेगा, 22 में चेहरा कोई और हो सकता है, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान जी न्यूज पर ही दिया था कि आलाकमान सब कुछ तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व को सारे फैसले लेने हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो जो अटकलें उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही थी चेहरे को लेकर और इन सियासी बयानबाजियों के बीच में संघ और संगठन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि 22 के चुनाव में इसका असर न देखने को मिले, दो धड़ों में पार्टी बटी हुई न दिखाई दे। और इसीलिए कल जो 4 घंटे की बैठक योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई थी, शायद उसमें यह तय हुआ होगा कि एक सियासी संदेश देना है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं, पिछले आधे घंटे से उनके घर पर मौजूद हैं, लंच पर बातचीत चल रही है, संघ और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस लंच डिप्लोमेसी में मौजूद। रवि क्या ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से दिल्ली आकर मुलाकात करने के बाद अब ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हो गई है कि सब कुछ संघ संगठन में ऑल इज वेल कैसे करना है, आप देखिए। जी बिल्कुल, देखिए दोनों का अपना अपना ईगो था और जैसा विशाल भी बता रहे हैं और जैसा आपको देखने को मिल रहा था सुनने को भी, बार बार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट आता था, ऐसा लगता था कि केशव प्रसाद
मौर्य और योगी आदित्यनाथ में बातचीत नहीं है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको रवि का बातें उनको कही गई होगी कि चीजों को जो भी करने दिक्कतें हैं, जो पार्टी के अंदर दिक्कत है, जो संगठनात्मक दिक्कत है, उसको आप ठीक करें, आप उसको दुरुस्त करें, क्योंकि इसका नुकसान अगर आप उत्तर प्रदेश में होता है तो उसका 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 असर केंद्र पर भी पड़ता है। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर सीधा केंद्र पर पड़ता है, इसीलिए प्रधानमंत्री का दखल है वहां पर, वहां पर गृह मंत्री का दखल है, वहां बीजेपी अध्यक्ष का दखल है, और बीएल संतोष और मोहन सिंह वहां के प्रभारी है, दोनों गए थे इससे पहले भी, यहां लंबी बैठक कर ली थी, वहां से जो सुनील बंसल है वहां के संगठन मंत्री वो दिल्ली आए थे। तमाम सारी बातें होने के बाद इनका जाने का मतलब है कि उनको समझाना और जो कमियां है खासतौर पर जो संगठनात्मक दूरियां एक दूसरे में बन रही है सरकार में, जो मंत्री है वो एक दूसरे के खिलाफ अगर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है और इसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। और बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह से एक माहौल बनता जा रहा है एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी गवर्नमेंट या एंटी योगी गवर्नमेंट, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की भी उतनी है जितनी योगी की है। जी विशाल, लेकिन आज जो अहम बैठक होनी है शाम में तमाम बीजेपी नेताओं की, उससे पहले ये जेस्चर कि मुख्यमंत्री जाते हैं उप मुख्यमंत्री के घर, वो खाने पर चर्चा कर रहे हैं, भले ही चर्चा राजनीतिक हो, लेकिन ये एक संदेश देने की कोशिश है संगठन को कि जो विरोधी सुर उठ रहे थे, ये देखिए कि यहीं से अब उन्हें समाप्त करना है क्योंकि सब कुछ ठीक है। देखिए बिल्कुल, और इसकी जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई वो कल, क्योंकि संघ के दो बड़े पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल और दत्तात्रेय होसबोले दोनों लखनऊ में मौजूद हैं, कल बीएल संतोष उनसे मिलने पहुंचे हुए थे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के घर पर बैठक हुई थी, जिसमें यह कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से दिखाने की कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ आज खुद उनके घर पर पहुंचे हैं लंच पर और उनसे बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी सियासी संदेश देने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन यहां पर जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आना, और न जाने कितने ही विधायकों ने बीच बीच में कुछ तमाम तरह की चिट्ठियां भी लिखी थी, ये सब बीजेपी और संघ की चिंताएं बढ़ा रहा था कि भाजपा का जो अंदरूनी कलह है, जो विधायकों की नाराजगी है, जो सांसदों की नाराजगी है, जो मंत्रियों की नाराजगी है, वो कहीं बीजेपी पर 2022 के चुनाव में भारी ना पड़ जाए। इसीलिए जो सबसे मुख्य यहां पर दो लोग माने जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक कराने की है कोशिश बीजेपी और संघ की तरफ से की गई है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर पर आप यूं भी कह सकते हैं कि संघ और भाजपा के कहने के बाद ही वो पहुंचे होंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे तो केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ अभी फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, कई और वरिष्ठ पदाधिकारी संघ भाजपा के उनके साथ में मौजूद है। बीच का रास्ता कैसे निकलता है, क्योंकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिलती रही है पिछले कुछ महीनों से, केशव प्रसाद अपने विभाग में जो हस्तक्षेप था कामकाज को लेकर अधिकारियों का, उससे परेशान रहते थे कि उन्हें खुली छूट नहीं मिल रही है, और ऐसे ही ना जाने तमाम मंत्रियों का भी यही कहना रहता था जब बीएल संतोष से उनकी मुलाकात पिछली बार हुई थी यहां लखनऊ में, और अधिकतर मंत्रियों ने इस तरह का फीडबैक दिया था कि अधिकारी मनमानी करते हैं, उनकी चलने नहीं देते हैं, वो अपने हिसाब से विभाग चला रहे हैं, मंत्री बनने के बाद हम कई फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो विरोध के सुर उठे थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इतना आसान होगा जितना लग रहा है? क्या उतना आसान होगा? 4.5 साल में कई ऐसी बातें थी, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा क्यों ना हो या और तमाम विधायक, उनकी अपनी शिकायतें रही हैं और वो शिकायतें दिल्ली तक आई हैं, तो क्या ये उतना आसान होगा? रवि, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि यूपी में चल रही बैठकों और मुलाकातों के बीच हम आपको केशव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व यूपी का चेहरा तय करेगा, 2022 के लिए सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। कौन होगा 2022 का उत्तर प्रदेश में? चेहरा तो जो दिखाई दे रहा है, चेहरा तो कोई बताने की बात नहीं है कि कौन चेहरा होगा, और ये चेहरा कौन होगा या एक सवाल खड़ा करना फिर से, मुझे लगता है कि जो विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है उस विषय पे कोई प्रदेश के अंदर, सरकार के अंदर, संगठन के अंदर काम करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बता सकता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व बताता है, जो प्रदेश नेतृत्व का विषय है वो प्रदेश नेतृत्व बताता है। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के 2022 में 2017 दोहराएंगे। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार जैसा कि हर विधानसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक में ही नेता का चयन होता है, तो स्वाभाविक रूप से 2022 विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जब पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीत के आएंगे तो फिर से विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी मुहर लग सकती है,
कोई और भी नया चेहरा आ सकता है या केंद्रीय नेतृत्व किसी नेता को इंगित करके उसको यहाँ नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी सौंप सकता है। ये सारे की सारे संभावनाएं खुली हैं, इसलिए 2022 के परिणाम के बाद क्या होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा या उस समय तत्कालीन विधानमंडल की बैठक तय करेगी। रवि, ये चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ज्यादा बड़ी मानी जाए या राज्य में बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए ये चुनौती सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए हो, आरएसएस के लिए हो, चाहे केंद्र सरकार के लिए हो, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से सांसद हैं आप जान रही हैं। उसके अलावा संघ का भी फोकस इसलिए है कि राम मंदिर का जो प्रोसेस निर्माण का चल रहा है और बाकी और चीजें, अगर यूपी आप हारते हैं तो आप समझिए आपके आपके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा 2024 के लिए। तो ये जितना योगी आदित्यनाथ के लिए मायने रखता है उतना उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए मायने रखता है, उतना ही केशव प्रसाद मौर्य के लिए मायने रखता है और उतना ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए मायने रखता है। और संघ का देखिए विशाल जो नाम बता रहे थे उसमें से दत्तात्रेय होसबोले एक ऐसा नाम है जो पूरे मामले को देख रहे हैं और पहली बार ऐसा है कि इस मामले को इतना नजदीकी से कोई संघ का अधिकारी देख रहा है। दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली में हाल में आकर उन्होंने सब नेताओं से मुलाकात की, दिल्ली में राधा मोहन सिंह से उनकी मुलाकात हुई, बीएल संतोष के साथ भी अलग मुलाकात हुई, यहाँ बाकी सीनियर नेताओं से मुलाकात कर इस मामले का पूरा प्लान बनाया गया कैसे इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। उससे पहले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात योगी की कराने का भी मैसेज था कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक मैसेज चलने लगा था कि योगी आदित्यनाथ अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी सुनना बंद कर दिया उन्होंने, इसका मैसेज देना कि यहाँ उनको बुलाना, अमित शाह से मिलाना, अमित शाह से एक डिफरेंसेस की बात आने लगी थी, प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुनने की बात आने लगी थी, पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनने की बात आने लगी थी, तो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग का काम हो गया और अब जो है उसको दुरुस्त करना है चीजों को जो गड़बड़ियां थी। और इस मुलाकात से खाने पर इस मुलाकात से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उन तमाम नेताओं को, उन विधायकों को जो इस बात से नाराज थे कि उनका रोल पिछले 4.5 साल में क्या रहा या फिर उनके विभाग में जो हस्ताक्षेप रहा वो क्या था। बैठक खत्म हो गई है, ये अपडेट भी आ चुकी है, जो मुलाकात चल रही थी पिछले आधे घंटे से वो अब खत्म हो गई है। आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे थे, कुछ और भी उनके साथ जो नेता हैं वो पहुंचे थे। आज शाम में बीजेपी की एक बीजेपी नेताओं की यूपी में बैठक भी होनी है, इसलिए उससे पहले मुलाकात बहुत अहम। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।